बेनीपट्टी थाना के बसैठ और रजमन गांव के बीच SS-75 मुख्य सड़क पर जीओ चौक के निकट शनिवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रजमन गांव निवासी मोहम्मद समीर का 21 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नियाज के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जरूरी काम से बसैठा गया हुआ था, जहां वापस लौटने के दौरान तेज रफ्तार से सामने से आ रही बोलेरो ने जियो चौक के समीप धर्मकांटा के पास उसे ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उधर घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेनीपट्टी थाना पुलिस जांच में जुट गई और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया में जुट गई थी। वही स्थानीय लोगों के द्वारा ठोकर मारने वाले बोलेरो को खदेड़ कर पकड़ लिए जाने की बात कही जा रही है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक साहब बेनीपट्टी SHO सीताराम प्रसाद ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।